मोबाइल मोबाइल मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल, हर घर में कई कई मोबाइल। साल के आखिर तक पूरी दुनिया में इंसानों से ज्यादा होंगे मोबाइल, इसीलिए बाजार है बेहद बड़ा और अब है स्मार्टफोन का जमाना। एंड्रॉइड फोन, विंडो फोन और आईओएस फोन, छोटे फोन, बड़े स्क्रीन के फोन, ज्यादा चमकीले फोन, आपकी उंगली के इशारे पर नाचने वाले फोन, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा, 2000 रुपए से लेकर 50,000 तक के स्मार्टफोन। और इसी दलदल में नई हलचल मचाने आ गया है आईफोन का नया अवतार आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस। बड़ा आकार, बदला डिजाइन, ज्यादा हल्का, ज्यादा पतला और ज्यादा चमकीला नया आईफोन। बड़े फोन से अब एप्पल का परहेज खत्म, मुकाबला 4 टैब से है, स्क्रीन बड़ी, परफॉर्मेंस भी बड़ा। यह है कर्मभूमि एप्पल के जनक की, जिसने 30 साल पहले यही इसी जमीन पर किया था अद्भुत करिश्मा। दुनिया ने उस वक्त देखा था कि पहली बार एप्पल का लैपटॉप मैक, ऐसी तकनीक जो ना देखी ना सुनी। और अब एक बार फिर एप्पल ने वहीं एक साथ उतारे अपने 4 सेनानी, एक साथ 4 प्रोडक्ट, 2 नए आईफोन, 1 स्मार्ट घड़ी तो 1 स्मार्ट एप्लीकेशन। किसके सस्ते स्मार्टफोन का डंका बजाने वाले सैमसंग के पांव से जमीन, ताकि बदल जाए फोन की दुनिया, ताकि घड़ी से जुड़ जाए आपके लाइफस्टाइल, आपकी सेहत और आपका नया आईफोन। एक नई क्रांति का आगाज आ गया है, आईफोन का नया अवतार। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। स्मार्टफोन के बाजार में एप्पल ने नया धमाका किया है। मंगलवार की रात एप्पल ने अपने मोस्ट अवेटेड फोन आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस को अमेरिका में लॉन्च किया। तकनीक की दुनिया में नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले एप्पल ने नए आईफोन्स के साथ अपना पहला वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एप्पल वॉच भी लॉन्च किया। एप्पल के नए आईफोन को बाजार का ट्रेंड बदलने वाला भी माना जा रहा है, क्योंकि इसमें आईफोन की खासियत तो है ही, एंड्रॉयड फोन की तरह ये बड़े आकार की स्क्रीन वाला भी है, इसलिए आईफोन को कहा जा सक रहा है सुपर फोन। The iPhone 6 and the iPhone 6 Plus, they are without a doubt the best iPhones we've ever done. 4.7 और 5.5 इंच के पहले से ज्यादा बड़े स्क्रीन, हाई स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए रेटिना HD तकनीक, लेटेस्ट iOS 8 प्रोसेसर और A8 चिप, 8 मेगापिक्सल कैमरा, प्रिंट आइडेंटिटी सेंसर से लैस टच स्क्रीन। जी हाँ, एप्पल के नए आईफोन कंपनी के सबसे आला दर्जे के स्मार्टफोन्स हैं। मंगलवार रात कैलिफोर्निया में एक शानदार इवेंट के दौरान एप्पल ने अपने 2 नए आईफोन्स लॉन्च कर दिए हैं, आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस। दोनों उम्मीदों के मुताबिक अब तक के आईफोन के आकार में बड़े लेकिन थोड़े पतले हैं, यानी कि पहले से बड़े और ज्यादा स्लीक, यानी कि ज्यादा छरहरे। इस बदलाव से कंपनी ने साफ कर दिया है कि वो स्मार्टफोन के बाजार में तगड़ी चुनौती पेश करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मोर्चे पर किसी भी कंपनी से पीछे नहीं रहने वाली। And yes, they're bigger. They're a lot bigger. Here on the left is an iPhone 5S. In the center, iPhone 6. डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, टच स्क्रीन, मेमोरी और हर मामले में पहले के अवतार से ज्यादा पावरफुल इस फोन का इंतजार भारत में भी है। भारत में आईफोन 6 के अगले महीने लॉन्च होने की उम्मीद है।
दरअसल एक दशक से भारत में बिल्कुल नया उपभोक्ता वर्ग तैयार हुआ है। पैसे वाले इस वर्ग में नई तकनीक को लेकर जबरदस्त क्रेज है। आईफोन 6 जैसे फोन का निशाना ये नया उपभोक्ता ही है। 16 GB वाला आईफोन 5S भारत में 41,500 रुपए का है, लेकिन इसे खरीदने वाले कम नहीं हैं। इस साल की एप्पल की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ते बाजार में कंपनी ने सबसे ज्यादा बिक्री भारत में ही की है। ये मानने वालों की कमी भी नहीं है कि आईफोन उपभोक्ता आईफोन 6 के लिए पैसों की परवाह नहीं करेंगे। Yes, absolutely. I think we're going to see a huge number of existing iPhone users upgrade to iPhone 6 because a lot of Apple people have been looking at their friends with large Android phones and wanting to have those larger screens. So I think we'll see a real growth, and I think Apple will gain share back from Android just because of the iPhone 6. भारत में नए आईफोन की कीमत कितनी होगी ये तय नहीं है, लेकिन अमेरिका में आईफोन 6 और आईफोन 6 प्लस की कीमत अलग अलग मेमोरीज वर्जन्स के साथ $199 से लेकर $499 के बीच होगी। आईफोन के साथ एप्पल ने आई वॉच भी लॉन्च किया है। ये कंपनी का पहला नया गैजेट है जो कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के निधन के बाद लॉन्च हुआ है। आई वॉच की कीमत रुपयों में करीब 21,229 रुपए है। अगले साल की शुरुआत में आईवॉच बाजार में आ जाएगी, लेकिन इससे पहले सफेद, गोल्ड, स्पेस ग्रे रंगों में नए आईफोन्स 19 सितंबर से इंटरनेशनल मार्केट में आ जाएंगे। इसके साथ ही सैमसंग के गैलेक्सी नोट 4, गैलेक्सी नोट एच और दूसरी कंपनियों के स्मार्टफोन्स के साथ इनकी तुलना भी शुरू हो गई है। सवाल यह है कि स्मार्टफोन की गला काट होड़ में आईफोन 6 क्या कमाल करेगा? क्या स्मार्टफोन के बाजार में आईफोन बदल देगा खेल के नियम? अमेरिका के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल सबसे आगे है, लेकिन बाकी दुनिया और भारत में एप्पल किफायती एंड्रॉयड फोन बनाने वाली कोरियाई कंपनी सैमसंग से पीछे है। हालांकि माना जा रहा है कि आईफोन 6 की बदौलत एप्पल ये तस्वीर बदल सकता है, लेकिन सैमसंग से मुकाबला भी तय है। दरअसल आईफोन्स के दोनों मॉडल में जो फीचर्स हैं उनका मुकाबला 6 दिन पहले लॉन्च हुए सैमसंग के गैलेक्सी नोट 4 और गैलेक्सी नोट एज से माना जा रहा है। गैलेक्सी नोट से होगी आईफोन 6 की टक्कर। भारत में आईफोन 6 बदलेगा बाजार का गणित। अमेरिका में आईफोन 6 के लॉन्च के साथ ही भारत में ये सवाल पूछा जाने लगा है। दरअसल अमेरिका में एप्पल स्मार्टफोन का मार्केट लीडर है। अमेरिका में आईफोन का कितना जबरदस्त क्रेज है ये सिर्फ इसी से समझा जा सकता है कि आईफोन 6 के लॉन्च से पहले ही लोग इसके इंतजार में लाइन में लगे दिखाई पड़ने लगे। खबरों के मुताबिक जुलाई तक अमेरिका के स्मार्टफोन बाजार में एप्पल का हिस्सा करीब 42.4% था, जबकि उसे जबरदस्त चुनौती देने वाले सैमसंग का हिस्सा महज 28.4% था। मगर दुनिया के सबसे तेज बढ़ते स्मार्टफोन बाजार में से एक भारत के मोर्चे पर सैमसंग एप्पल पर भारी है। जनवरी से मार्च 2014 के बीच भारत के बाजार में सैमसंग का हिस्सा करीब 35% है। हालांकि दिसंबर 2013 में खत्म हुए तिमाही में एप्पल पहली 5 कंपनियों में जगह बनाने में कामयाब रहा था। इसे भारतीय बाजार के बदलते ट्रेंड की निशानी माना गया। माना जा रहा है कि अब भारतीय उपभोक्ता सस्ते स्मार्टफोन के बजाय महंगे फीचर फोन खरीदने में पीछे नहीं हट रहे। For every other company, I would have said yes. The holiday season, obviously, in the device business is crucial. I think that Apple has proven to keep people in suspense and build up this pent-up demand that people will wait until the spring of times. iPhone 6 का क्रेज भारत में भी इसलिए है क्योंकि सस्ते एंड्रॉइड फोन के बजाय महंगे आईफोन को स्टेटस सिंबल की तरह लिया जाता है। एप्पल ने बड़े आकार वाले एंड्रॉइड फोन को टक्कर देने के लिए आईफोन 6 का आकार तो बढ़ाया ही है, इसे नया लुक भी दिया है। इससे पहले एप्पल के आईफोन 4 से लेकर आईफोन 5, S और C को एक जैसे ही डिजाइन में पेश किया गया था। आईफोन 6 पहला ऐसा फोन है जो जबरदस्त वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आ रहा है। वाईफाई 802.11 AC स्टैंडर्ड से तेज डाटा ट्रांसफर और ज्यादा बड़ा एरिया कवर होगा। एप्पल के कई फोन एक साथ कनेक्ट हो सकेंगे।
आईफोन 6 का फिंगरप्रिंट सेंसर ज्यादा ताकतवर है, जिससे यूजर NFC और थर्ड पार्टी ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों ही मॉडल्स में ज्यादा ड्यूरेबल और स्क्रैच रेजिस्टेंट सफायर ग्लास वाला डिस्प्ले भी होगा। आईफोन 6 का स्क्रीन रेजोल्यूशन 750x1334 पिक्सल है, जबकि आईफोन 6 प्लस 1920x1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के रेटिना HD डिस्प्ले से लैस है। यानी स्टीव जॉब्स के जमाने से बनी तकनीक की दुनिया के लीडर की पहचान एप्पल के नए CEO टिम कुक ने बनाए रखी है। Tim Cook has pulled off what many people thought he couldn't do, which is he has successfully lived up to the trust and legacy that Steve Jobs left him. iPhone के status symbol के रुतबे को तोड़ने के लिए ही Samsung ने भी Apple की तरह भारतीय बाजार में high-end feature फोन उतारने शुरू कर दिए हैं। करीब एक हफ्ता पहले ही Samsung ने Galaxy Note 4 और Note Edge बाजार में उतारा है। iPhone 6 और 6 Plus का मुकाबला उसी से माना जा रहा है। देखते हैं दोनों में कौन ज्यादा स्मार्ट है। प्रोसेसर रैम के मुकाबले में आईफोन 6 प्लस A8 चिप वाला है, इसमें 1GB रैम है। गैलेक्सी नोट एज में 2.7GH क्वाड कोर और 3GB रैम है। यानी M8 की वजह से आईफोन की स्पीड बाकी फोन के मुकाबले 25-30% ज्यादा होगी। कैमरे के मामले में आईफोन 6 प्लस में 8MP कैमरा है, फ्रंट में HD कैम है। गैलेक्सी नोट एज में 16MP और फ्रंट में 3.7MP कैमरा है। यानी आईफोन का आईसाइट कैमरा DSLR कैमरे जैसी क्वालिटी देगा। स्टोरेज के मोर्चे पर आईफोन 6 प्लस 16GB, 64GB और 128GB वाला होगा। गैलेक्सी नोट एज में 32GB इंटरनल मेमोरी है, जिसे 64GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। जाहिर है आईफोन 6 प्लस में गैलेक्सी नोट एज से ज्यादा इंटरनल मेमोरी है। आईफोन 6 प्लस में 1800mAh बैटरी है, जबकि गैलेक्सी नोट एज में 3220mAh बैटरी है। यानी गैलेक्सी में 7.5% ज्यादा बैकअप होगा। जाहिर है दोनों फोन में फर्क 19-20 का ही है, ऐसे में दोनों के बीच का मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। मशहूर अमेरिकी एंटरप्रेन्योर और टेक्नोलॉजी लीडर स्टीव जॉब्स के जमाने से ही एप्पल की पहचान नई तकनीक देने वाली कंपनी की रही है। 2010 में आईपैड के लॉन्च के बाद एप्पल ने एप्पल वॉच के जरिए वेरिएबल डिवाइस के सेगमेंट में प्रवेश किया है, जो एप्पल की टेक्नोलॉजी लीडर की पहचान को और मजबूत करने की कोशिश है। ब्रेक के बाद देखेंगे एप्पल की स्मार्ट घड़ी में क्या खासियतें हैं, क्यों इसे माना जा रहा है भविष्य का गैजेट। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एप्पल के नए स्मार्टफोन आईफोन 6 की, जिसे सुपरफोन भी कहा जा रहा है। लेकिन एप्पल के स्मार्ट वॉच के भी कम चर्चे नहीं हैं। एप्पल के पहले वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एप्पल वॉच की खूबियां इसे भविष्य का गैजेट बताती हैं। ये ऐसी स्मार्ट घड़ी है जो सेहत पर निगाह रखेगी, मोबाइल से भुगतान की सुविधा से भी लैस होगी, हालांकि इसे इस्तेमाल करने के लिए आईफोन की जरूरत जरूर होगी। iPhone 6 और iPhone 6 Plus लॉन्च करने वाली कंपनी Apple तकनीक की दुनिया में नई रीत चलाने वाले लीडर की पहचान और रुतबा रखती है। दो नए iPhone के साथ एक स्मार्ट एप्लीकेशन और स्मार्ट घड़ी लॉन्च कर Apple ने अपने रुतबे को बरकरार रखा है। यही वजह है कि Apple ने नए iPhone और स्मार्ट घड़ी Apple Watch को लॉन्च करने के लिए सैन फ्रांसिस्को का येरबा बुएना सेंटर के बजाय कैलिफोर्निया के फ्लेट सेंटर को चुना। तकनीक की दुनिया में नए नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले स्टीव जॉब्स ने 1984 में यहीं पर अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर मैकिंटोश लॉन्च किया था। 1998 में स्मार्ट डेस्कटॉप iMac भी लॉन्च किया था। दो हजार सात में आईफोन लाकर एप्पल ने स्मार्टफोन क्रांति की भी शुरुआत की। तकनीक की दुनिया में लीडर की इसी पहचान को एप्पल ने स्मार्ट घड़ी एप्पल वॉच का लॉन्च कर बरकरार रखने की कोशिश की है। एप्पल वॉच बाजार में अगले साल ही आएगी, लेकिन इसे लेकर अभी से ही उम्मीदें परवान चढ़ चुकी हैं। जी, 因为真的很方便，以前看很多一些卡通啊，一些
电影啊，比较未来感，都是可能是手表做一切，那现在真的是把那些都成真了。बेशक अमेरिका जैसे स्मार्टफोन के स्थापित बाजार और भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार में एप्पल की तकनीक बड़े आकार वाले आईफोन में बदलेगी, लेकिन एप्पल वॉच वो तकनीक है जिसे भविष्य माना जा रहा है। एप्पल का पहला वियरेबल गैजेट यानी हाथों में पहनी जा सकने वाला ये गैजेट है। हालांकि वियरेबल गैजेट के मामले में प्रतिद्वंदी सैमसंग के नक्शे कदम पर चलने के लिए एप्पल की आलोचना भी की जा रही है। सैमसंग गैलेक्सी गियर वॉच के नाम से वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर चुका है, मगर एप्पल वॉच एप्पल के दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह ही कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसमें फिटनेस ट्रैकर और अन्य कई तरह के एप्लीकेशन चलाए जा सकते हैं। इस घड़ी का डिस्प्ले टच स्क्रीन है। एप्पल वॉच के किनारे पर लगे डायल को घुमाने से घड़ी की स्क्रीन पर लिखावट बड़ी या छोटी की जा सकती है। इस डायल को कंपनी ने डिजिटल क्राउन का नाम दिया है। इसमें नोटिफिकेशन डिस्प्ले की सुविधा भी होगी। हालांकि एप्पल वॉच को इस्तेमाल करने के लिए आईफोन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए एप्पल वॉच को iOS 8 के साथ कॉम्पैटिबल बनाया गया है। Now, what's going to get more attention is going to be the Apple Watch, because that's a new entry for Apple. The iPhone 6 is an evolution of something they've already done. So we'll see people talk more about the Apple Watch, but I think the thing that actually has the most impact is going to be that larger iPhone. And now I'd like to talk about an entirely new category of service. And it's all about the wallet. एप्पल के सीईओ उस ई वॉलेट की बात कर रहे हैं जिसे भविष्य की तकनीक माना जा रहा है। एप्पल के आईफोन और स्मार्ट वॉच में भी ई वॉलेट फीचर की सुविधा होगी। एप्पल ने इसके लिए एप्पल पे नाम का नया मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है। इसके जरिए ग्राहक क्रेडिट कार्ड से लिंक आईफोन के जरिए सुरक्षित और सुविधाजनक पेमेंट कर सकेंगे। माना जा रहा है कि एप्पल पे सिस्टम जल्द ही क्रेडिट कार्ड से होने वाले भुगतान के तरीके को बदलकर मोबाइल फोन से नए भुगतान के तरीके को स्थापित कर देगा। एप्पल अमेरिका में ये सेवा अक्टूबर से शुरू कर देगा। बाकी देशों में इसे कब तक लागू किया जाएगा, इस पर कंपनी ने अभी कुछ नहीं कहा है। Perhaps most notable is what Apple's trying to do around payments. That's something that we think has some pretty significant potential over the nearer and even longer term. And it was notable to us that they're thinking not just about retail point of service, but also, or point of sale, I should say, but also online. आईफोन के लॉन्च के वक्त चर्चा नए गेम विन ग्लोरी का डेमो देने वाले गेमिंग एक्सपर्ट टॉमी कर्ल की भी है। डच मूल के टॉमी लॉन्चिंग के वक्त स्कार्फ बांधकर मंच पर आए थे। इंटरनेट पर उनकी चर्चा कुछ वैसे ही हो रही है जैसे कि आईफोन की।